बिना बदलने वाले नियम और कायदे कानून ही इस दुनिया और ब्रह्मांड को चलाते हैं। उन नियमों को देखने, उन्हें परिभाषित करने, उन्हें लिखने और फिर उन्हें इस्तेमाल करने से ही हमें वो सब कुछ मिलता है जिसे हम विज्ञान और तकनीक के नाम से जानते हैं। ये विज्ञान ही है जो रहस्यों को हमारे सामने लाकर ब्रह्मांड रूपी अनसुलझी पहेली को सुलझाता है। विज्ञान ही है जिसकी भाषा हमारी आंखें खोलती है, हमें सच दिखाती है। हमारे बीच मौजूद एक बहुत ही छोटी जुनूनी जमात है जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। उन्हें ये वरदान हासिल है कि वो इस ब्रह्मांड की भाषा को समझ सके। उन्हें दुनिया में मौजूद हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जिन्हें हम अनुभव करते हैं, उसके पीछे छिपे रहस्य को बेपर्दा करने में एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी भौतिक और रसायन और गणित के अस्तित्व को समझने और मापने में समर्पित कर रखी है, इसीलिए हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने ही हमारी पृथ्वी, जिस पर हमारा जीवन आधारित है, उसके रहस्य से रूबरू कराया। और अगर दुनिया के इस रहस्य से ये जमात पर्दा ना उठाती तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत, इतनी आकर्षक और इतनी अर्थपूर्ण ना दिखाई देती। मिस अन्ना मोदाइल मणि, जिन्हें प्यार से लोग मिस मणि कहते थे, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिकों के बीच एक खास जगह रखती है। अन्ना मणि स्वतंत्र भारत की शीर्ष 5 महिला वैज्ञानिकों के बीच सम्मानित हैं। अन्य 4 प्रमुख महिला वैज्ञानिक हैं कमला सोहनी 1912 से 1998, अश्मा चटर्जी 1917 से 2006, जानकी अम्मल 1897 से 1984, राजेश्वरी चटर्जी 1922 से 2010, और अपने गृह राज्य केरल से तो वो पहली महिला वैज्ञानिक है। मणि ने हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाया? मणि को किस लिए याद किया जाता है? एक व्यक्ति के तौर पर वो कैसी थी? उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया? क्यों अन्ना मणि हमारे लिए कुदरत की नेमत की तरह है? मिस अन्ना मोदाइल मणि का जन्म केरल राज्य के त्रावणकोर के सामंती क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मणि के पिता सिविल इंजीनियर थे, लेकिन मणि अलग थी। ऐसा माना जाता है कि आसपास रहने वाले लोग और चीजें व्यक्ति के चरित्र को बदलने में सहायक होती हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक के तौर पर अन्ना मणि की उपलब्धि को इससे अलग नहीं किया जा सकता। लोगों के प्रभाव ने मणि के सुनहरे भविष्य को आकार दिया, खासकर पिता ने और परिवार की पृष्ठभूमि ने। मणि को उन्हें एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत स्वभाव वाली भूमिका के लिए तैयार किया। इसके अलावा मणि का प्रकृति के प्रति लगाव भी उन्हें इस दिशा में बढ़ाता चला गया। युवा अन्ना मणि बचपन से पढ़ने की शौकीन थी। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि 8 साल की उम्र में अन्ना मणि ने अपने गांव में मौजूद स्थानीय पुस्तकालय में मौजूद सभी मलयालम भाषा की पुस्तकों को पढ़ लिया। कम उम्र में ज्ञान की इस ललक ने उन्हें सत्य की खोज में आगे बढ़ा दिया। मणि जब 8 साल की थी तब उनके जन्मदिन पर एक दिलचस्प घटना घटी। इस घटना से साबित ये हो गया कि अपने जीवन में अन्ना मणि ने किताबों को कितनी तरजीह दे रखी थी। कहते हैं मणि को उनके 8वें जन्मदिन पर परिवार की तरफ से एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट के तौर देने की पेशकश की गई,
लेकिन मणि ने इस गिफ्ट को लेने से इनकार कर दिया और उसकी जगह ब्रिटानिका विश्वकोश की डिमांड रखी। सोचिए, 8 साल की छोटी सी उम्र में अन्ना मणि का मन किताबों को लेकर कितना मचलता था। अन्ना मणि को भौतिक शास्त्र में खास रुचि थी। जब उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया तो वो क्लास के 6 छात्रों में इकलौती लड़की थी। 1939 में अन्ना मणि ने भौतिक और रसायन में ऑनर्स में डिग्री हासिल की। अन्ना मणि में प्रयोगशालाओं को लेकर एक अलग ही तरह का जुनून था। ग्रेजुएशन के बाद अन्ना मणि ने मद्रास के वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज में फिजिक्स के डिमोंस्ट्रेटर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथियों ने उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आवेदन भरने को प्रेरित किया। साल 1940 में अन्ना मणि ने स्कॉलरशिप पर बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रवेश लिया। इस संस्थान में मणि को सानिध्य मिला नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सीवी रमन का, और इसका असर ये हुआ कि देखते ही देखते प्रोफेसर सीवी रमन के निर्देशन में मणि की जिंदगी नई दिशा लेने लगी। बड़ा ही रोमांचक था वो दौर जब मणि रमन प्रयोगशाला में यंत्रों के साथ जूझती थी। यही इंस्टीट्यूट बाद में 1948 में प्रोफेसर सीवी रमन के नाम पर हो गया। अन्ना मणि के काम से प्रभावित प्रोफेसर सीवी रमन ने मणि को फ्लोरोसेंस पर अनुसंधान के लिए बड़े अवसर दिए। जिस दौर में मणि को ये मौका मिला वो अपने आप में अद्वितीय और गौरवशाली था। इस शानदार मौके को अन्ना मणि ने भी हाथ से जाने नहीं दिया और हीरे और रूबी की स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेहतर परिणाम वाली रिसर्च की। मणि ने 30 अलग अलग हीरों पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए उसके फ्लोरोसेंस, एब्जॉर्प्शन और रमन स्पेक्ट्रम के आंकड़े जुटाए। 1942 से 1945 के दौरान अन्ना मणि ने हीरे और रूबी के ल्यूमिनेसेंस पर 5 रिसर्च पेपर निकाले और इस तरह अगस्त 1945 को मद्रास यूनिवर्सिटी में मणि ने अपनी पीएचडी की डिग्री के लिए शोध जमा कराए, लेकिन मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी की डिग्री नहीं दी। ये दुर्भाग्य था क्योंकि मणि ना सिर्फ उस डिग्री की हकदार थी बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा की काबिलियत रखती थी। इसके पीछे मद्रास यूनिवर्सिटी का तर्क था कि अन्ना मणि ने एमएससी यानी मास्टर्स की डिग्री हासिल नहीं की है। मद्रास यूनिवर्सिटी को पीएचडी के लिए भेजे गए शोध पत्र आज भी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी का हिस्सा है, जिन्हें शायद मद्रास यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा होना था। दो सितंबर 1945, दूसरा विश्व युद्ध अभी समाप्त ही हुआ था और भारत आजादी की दहलीज पर था कि तभी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय छात्रों को यूके और यूएसए में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। अन्ना मणि इन दोनों ही जगहों के लिए योग्य थी। तभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सहयोगी ने मणि को दूसरा रास्ता सुझाया जिसमें स्कॉलरशिप का पैसा भारत सरकार को देना था और इस तरह अन्ना मणि उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने को राजी हो गई। लेकिन इस रास्ते में एक और दिक्कत खड़ी हो गई। ब्रिटेन में मणि के पसंदीदा विषय भौतिकी के लिए किसी तरह की स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं था बल्कि वहां जरूरत थी मौसम विज्ञान में। मणि को ब्रिटिश सरकार ने मौसम विज्ञान इंस्ट्रूमेंटेशन में उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित किया।
मणि को इस विषय के लिए कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्हें मौसम विज्ञान लुभाता था और इसके बाद शुरू हुआ एक नया सफर। अन्ना मणि उन भारतीय छात्रों के साथ लंदन के लिए जहाज से रवाना हो गईं, जो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप पर विदेश जा रहे थे। नॉर्थ वेस्ट लंदन के हारो शहर में मेट्रोलॉजिकल दफ्तर के इंस्ट्रूमेंटल डिवीजन में मणि ने तकरीबन एक साल गुजारा। यहाँ मणि ने मौसम विज्ञान के वो यंत्र जो हवा में ऊपर होते हैं उनकी मैकेनिज्म में महारत हासिल कर ली। इसके बाद मणि ने टेडिंगटन की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में वेदर इंस्ट्रूमेंट के मानकों पर अध्ययन किया। अन्ना ने अपनी प्रायोगिक प्रतिभा से हारो में छात्र और अध्यापक दोनों को प्रभावित किया। ।1948 में आजाद भारत आगे बढ़ने के लिए तत्पर था। इसी दौरान अन्ना मणि भारत लौट आईं। पुणे का भारत मौसम विज्ञान विभाग मणि की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत के लिए इंतजार कर रहा था। ये वो दौर था जब मौसम विज्ञान के तमाम उपकरण यूरोप से आयात किए जाते थे। तभी अन्ना मणि ने ये प्रण लिया कि वो भारत के लिए भारत में ही मौसम विज्ञान के उपकरण डिजाइन करेंगी और उनका निर्माण करेंगी। अन्ना मणि के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी रेन गेज, थर्मोग्राफ, बैरोमीटर और एनीमोमीटर जैसे उपकरणों की बड़ी श्रृंखला का निर्माण। रेन गेज यानी वर्षा मापी यंत्र का उपयोग आकाश से बरसने वाले पानी की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। थर्मोग्राफ द्वारा बायोमेटेलिक तत्व में तापमान के साथ होने वाले परिवर्तन के भौतिक गुणधर्मों को दर्शाया जाता है। हाइड्रोग्राफ उपकरण से वातावरणीय आर्द्रता में होने वाले स्वतः परिवर्तन को दर्ज किया जाता है। बैरोग्राफ का उपयोग करके हम किसी दिए गए स्थान पर वायुमंडलीय दबाव को दर्ज कर सकते हैं। एनेमोमीटर यानी पवन मापी द्वारा हवा की गति एवं हवा के दबाव को मापा जाता है। इन उपकरणों को बनाने के लिए भारत में तकनीकी रूप से तैयार मैन पावर मौजूद नहीं था, लेकिन अन्ना मणि ने हार नहीं मानी। वो युद्ध स्तर पर अपने मिशन में जुट गई और आईएमडी में उन्होंने विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप बनाया जिसके पास डिजाइन, निर्माण, मापन और संचालन की महारत थी। और बाद में ये दौर भारत में मौसम विज्ञान विभाग के इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन के इतिहास में सबसे ज्यादा गतिशीलता के लिए जाना गया। अन्ना मणि के सहयोगी उस दौर को भारत में इंस्ट्रूमेंटेशन के सुनहरे दौर के तौर पर याद करते हैं। For the first time when I met, जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैंने उनके बारे में कुछ भी सुना नहीं था, जबकि मैं उस जगह पर पला बढ़ा जहां से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर वो पली बढ़ी थी। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संचालित किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनमें काम करने की भरपूर क्षमता थी। वो हमें काम देकर कहती कि ये 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, जबकि वो काम 15 दिन में भी खत्म कर पाना मुश्किल होता था। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें सिर्फ परिणाम चाहिए था। विज्ञान के प्रति उनका समर्पण शुद्धता और पूर्णता से यंत्रों को संशोधित करती। वो हमेशा से सबसे अच्छी तकनीक से यंत्रों को बनाने में विश्वास रखती। 1953 में अन्ना मणि प्रमोशन के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट की प्रमुख बन गईं। इस विभाग की बागडोर एक महिला के हाथों में आना उस दौर के लिए बड़ी और असामान्य सी उपलब्धि थी। 1960 आते आते मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया और ये सब अन्ना मणि की कड़ी मेहनत, उनके नेतृत्व
और दृढ़ निश्चय से ही संभव हो पाया। जो नींव अन्नामणि ने रखी, भारत का मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवीजन उस राह पर चलकर और मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। She has done a tremendous work in this office. उन्होंने इस दफ्तर में प्रचुर कार्य किया है, चाहे वो कार्य कार्यशाला हो या फिर विकिरण हो, सभी प्रकार की प्रगति में उनका ही हाथ रहा था। सभी प्रकार के जमीन पर मौसमी उपकरण बनाने में उन्हीं का ही योगदान था। यहाँ पर करीब 539 ऑब्जर्वेटरीज हैं, जो कि अन्य जगहों पर कुल मिलाकर 1000 ऑब्जर्वेटरीज हैं, जो हम मेंटेन कर रहे हैं। 1960 में ही अन्नामणि ने अपना ध्यान वातावरण में बढ़ती ओजोन और उसके मापन पर लगा दिया। पूरी दुनिया अभी इस सोच से 2 दशक दूर थी, लेकिन मणि ने ओजोन के खतरे को 60 के दशक में ही भांप लिया। उस वक्त पूरी दुनिया में महज 4 देश थे जो ये जानते थे कि ओजोन को मापने के लिए ओजोन सोंडे को विकसित कैसे किया जाए। ओजोन सोंड ओजोन के वितरण और उसके भौगोलिक बदलाव के आंकड़े जुटाता है। अन्नामणि ने अपना ओजोन सोंड बनाया और भारत को उन 5 देशों में शुमार करवा दिया जिनके पास खुद के ओजोन सोंड विकसित करने की काबिलियत थी। The ozone sound is a typical example. ओजोन साउंड एक सजग उदाहरण है। 1960 में ब्रिटिशर्स ने ओजोन को मापने का प्रयास किया। दुनिया में ये नहीं पता था कि ओजोन छेद नामक चीज मौजूद है, लेकिन इनकी दूरदृष्टि ने ये देखा कि धरती पर वो आसमान में ओजोन परत को नापना जरूरी है। अन्नामणि की दूरदर्शिता और ओजोन को मापने की काबिलियत को जल्द ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन में भांप लिया और उसने मणि को अंतरराष्ट्रीय ओजोन आयोग का सदस्य बना लिया। 1963 में भारत अपने पहले और ऐतिहासिक रॉकेट प्रक्षेपण के लिए तैयार था। विक्रम साराभाई ने अन्नामणि से निवेदन किया कि वो थुम्बा में मौसम वैधशाला और इंस्ट्रूमेंटल टॉवर लगाएं, जिससे रॉकेट के प्रक्षेपण में मदद मिल सके। मणि ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रॉकेट प्रक्षेपण से ठीक पहले 2 दिन में इस कठिन चुनौती को अमली जामा पहना दिया। 21 नवंबर 1963 की सुबह जब आसमान में देश का पहला रॉकेट प्रक्षेपित हुआ, तो मणि और उनकी टीम के लिए ये पल यादगार और गौरवशाली था। 1969 को अन्नामणि देश की राजधानी दिल्ली में IMD के इंस्ट्रूमेंटेशन प्रभाग की उप महानिदेशक बनकर आईं। मणि देश की पहली महिला वैज्ञानिक थी जो इस अति सम्मानित पद पर विराजमान हुई। 1960 के दशक में अन्नामणि ने हिंद महासागर में चल रहे प्रयोगों में विशेष भूमिका निभाई और भारतीय नौसेना के 2 जहाजों किसना और वरुणा को मौसम मापने के उपकरणों से सुसज्जित कराया। 1967 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बड़ी ही प्रभावी भूमिका निभाई और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपकरणों को लेकर मौजूदा गाइडलाइन में बड़े बदलाव किए। मणि विश्व मौसम विज्ञान संगठन में आयोग के उस कार्यकारी समूह की सलाहकार समिति की सदस्य बन गईं, जो उपकरण उनके मापने के तरीके और विकिरण पर काम करता था। CIMO की चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्नामणि ने दुनिया भर में विकिरण के मेजरमेंट दिए और उनके इन प्रयासों को स्विट्जरलैंड के दावोस की वैधशाला और सोवियत संघ के लेनिनग्राद में मौजूद वर्ल्ड रेडिएशन डाटा सेंटर में देखा गया। हवर्स में
मौसमी यंत्रों से संबंधित प्रयोगशाला भी, जिसमें काफी तादाद में इन यंत्रों का रखरखाव होता था। ये प्रयोगशाला निजी तौर पर आयोजित थी और स्विस सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। अचानक स्विट्जरलैंड के राजनेताओं ने वित्त सहायता करने से हाथ खींच लिया। इस ऑब्जर्वेटरी को बंद करने की नौबत आ गई। मिस अन्नामणि ने उनके खिलाफ बहस छेड़ी और अंत में इस ऑब्जर्वेटरी को वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर के नाम से पहचान दिलाई। ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। अन्नामणि ने साल 1957 से 58 के दौरान इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के प्रमुख के रूप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ये अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष था। इस दौरान दुनिया और देश में वायुमंडलीय भौतिकी में हर किसी की रुचि को महसूस किया गया। एक वक्त था जब सरकार ने ये निश्चय किया कि वो सौर विकिरण को मापने के लिए स्टेशनों का एक नेटवर्क तैयार करेगी। सरकार के इस फैसले के बाद भारत ने सौर विकिरण के उपकरणों को आयात किया, लेकिन अन्नामणि ने इस फैसले को चुनौती की तरह देखा और ये निश्चय किया कि वो खुद सौर विकिरण को मापने वाले उपकरणों की पूरी श्रृंखला भारत में बनाएंगी। और आज मणि के उस दृढ़ निश्चय की ही देन है कि भारत परिष्कृत उपकरण जैसे पाई हेलियोमीटर, पायरेनियोमीटर और पायरजियोमीटर्स बनाने में सक्षम है। अन्नामणि की वजह से 1970 तक देश में 35 विकिरण स्टेशन थे, वो भी अपने बनाए उपकरणों के साथ, जहां सटीकता के लिहाज से विश्व स्तरीय आंकड़ों की गणना होती थी। अब तो पूरे एशिया में पुणे की तरह राजस्तरीय रेडिएशन सेंटर आपको मिल जाएंगे। विकिरण वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अन्नामणि के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकिरण को माप सकने के लिए खोजे जाने वाले यंत्रों के योगदान को खूब सराहा और आगे मणि को सर्वसम्मति से उपकरण और प्रेक्षण के तरीके के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अन्ना ने लगभग सभी मौसम संबंधी मापदंडों के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों को नामित करने में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बड़ी मदद की। उस समय वैज्ञानिक मौसम उपकरणों पर शोध किया जा रहा था, जिसकी मदद से विमान को सुरक्षित धरती पर उतारा जा सके। विमान के सुरक्षित उतरने के लिए 7 तरह के मौसमी उपकरणों की जरूरत होती है। मिस मणि ने इसकी शुरुआत की और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था। वर्तमान मौसमी उपकरण सिस्टम, जिससे हवाई पट्टी पर दबाव, तापमान और उष्णता नापी जा सके, हवाई पट्टी पर हवा की गति का रुख नापा जा सका, विमान के उतरने के समय दर्शिता को नापा जा सके, जो कि बहुत जरूरी है, हवाई पट्टी पर हवा की गति के रुख को नापा जा सके, हवाई पट्टी पर नीचे वाले बादलों को पहचानने के लिए यंत्र, क्योंकि किसी भी पायलट को तब तक विमान उतारने की इजाजत नहीं होती है जब तक उसे हवाई पट्टी साफ सुथरी ना दिखे। इन सब चीजों के नापने वाले यंत्र यहां पुणे में तैयार किए जा रहे थे। सबसे पहले दिल्ली के हवाई अड्डे पर इन उपकरणों को लगाया गया ताकि विमान सुरक्षित जमीन पर उतर सके। 1976 में मिस अन्नामणि भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुई। सेवाओं का अंत शुरुआत थी देश में मौसम विज्ञान में एक और नए चरण की। अन्नामणि रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गईं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग के अनुरोध पर अन्ना ने सौर विकिरण पुस्तकों के 2 संस्करण लिखे। इनमें से पहली पुस्तक 1980 में भारत के लिए सौर्य विकिरण के डाटा और दूसरी पुस्तक 1981 में भारत पर सौर्य विकिरण नाम से आई।
आईएमडी के बाद के दिनों में अन्नामणि ने पवन ऊर्जा के कई प्रोजेक्ट पर काम किया था। इसीलिए अन्ना को यकीन था कि भारत में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त क्षमता है। इसी वजह से अन्ना ने बेंगलुरु में एक प्रयोगशाला और कार्यशाला की स्थापना की। अन्ना को मालूम था कि देश सौर्य और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक कि विंड पैटर्न और सोलर फ्लेक्सेस पर व्यापक और विश्वसनीय ज्ञान अर्जित नहीं कर लेता। अन्ना ने देखा कि पूरे देश में दूसरे लोग इस क्षेत्र से दूर भाग रहे हैं, लिहाजा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अन्नामणि ने देश की चाहत और प्रयासों को नई ऊर्जा दी, प्रयोगशाला और कार्यशाला को एक दिशा दी। अन्नामणि को उनके 30 साल के योगदान के लिए इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने आर रामानाथन मेमोरियल मेडल से नवाजा। वहीं इंटरनेशनल ओजोन कमीशन ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साल 1994 में जब वो 76 साल की थीं, तब एक स्ट्रोक ने उन्हें पूरे जीवन भर के लिए अक्षम बना दिया। जिस डायनेमिक लेडी ने भारत को मौसम यांत्रिकी के क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा किया, वो अन्नामणि जीवन भर के लिए व्हीलचेयर पर आश्रित हो चुकी थीं। जिस दूरदर्शी महिला ने बिना रुके बिना थके मौसम यांत्रिकी के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, वो केरल के त्रावणकोर में अपनी बहन और परिवार पर निर्भर थीं। मिस अन्नामणि ने मौसम उपकरणों में भारत के लिए एक ठोस नींव रखी, जिसकी बदौलत आज देश मौसम की प्रणाली को समझने और मापने में सक्षम है। अन्नामणि के बनाए ऐतिहासिक उपकरण आज हमारे लिए धरती के वायुमंडल और तमाम भौगोलिक स्थानों से आंकड़े जुटा रहे हैं। अन्नामणि के प्रयास की बदौलत ही मौसम के पूर्वानुमानों का पता लगाना संभव हो पाया है। मणि की वजह से ही आज पूरा सामाजिक आर्थिक स्पेक्ट्रम मौसम पूर्वानुमानों का आनंद उठा पा रहा है। इन्हीं आंकड़ों की मदद से हम जिंदगी को, समय को, धन को बचाने के निर्णय ले पा रहे हैं। नौसेना से लेकर वायुसेना, थल सेना और मछुआरों से लेकर किसान तक हर कोई इन पूर्वानुमानों के जरिए अपना कारोबार और व्यापार बचाए हुए है। हर मिनट होने वाली वेदर फोरकास्टिंग जो मौसम विभाग से आ रही है, पूरे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा दे रही है। ये कैसे संभव हुआ? मौसम यांत्रिकी की वजह से, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे में डिजाइन किए गए, बनाए गए। अन्नामणि भारत में मौसम उपकरणों की मदर इंडिया के तौर पर जानी जाएंगी। अन्नामणि उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो मेक इन इंडिया के सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करती है।